अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देखिए आज बना रही हूँ मैं पोटैटो बॉल्स। पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए चार आलू को अच्छे से धो लेके मैं अच्छे से गला ली। इसके अंदर देखिए पानी दो से तीन गिलास पानी ऐड करके अच्छे से इसके अंदर नमक ऐड करके इसको गला ली मैं। देखिए आलू हमारे अच्छे से गल गए। अब मैं इसको छन्नी में अलग से निकाल लूँगी, गरम गरम है। इसको अलग निकाल लेके मैं इसको ठंडा करने रखूँगी। देखिए मैं आलू को निकाल ली, देखिए पोटैटो को। मैं इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड डालूंगी क्योंकि वो ज़्यादा गर्म है। ठंडा पानी डालने से ठंडे हो जाते। देखिए अब मैं इसका छिलका निकाल लूंगी। आपके मैचर से या नहीं तो ग्राइंडर से या नहीं तो आप हाथ की मदद से भी इसको मैच कर सकते हैं। देखिए ऐसे करके उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मैश करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी, देखिए आपकी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेने का है अपने को। आलू के हिसाब से मैं लूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसके अंदर ऐड कर दूंगी। देखिए बहुत ज़बरदस्त अच्छे से रेडी हो गया। देखिए अपना पोटैटो पेस्ट, देखिए मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अपने पेस्ट के हिसाब से 2 चम्मच, छोटे चम्मच से 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक। 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करूंगी मैं इसके अंदर। आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। मिर्ची मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अच्छा मिक्स करने के बाद मैं इसके बॉल्स बना लूँगी। देखिए कढ़ाई में तेल डाल दी मैं, कढ़ाई गर्म हो गई। अपना तेल गर्म हुआ है, हवा टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा बटर डालूंगी मैं इसके अंदर दाल को टेस्ट करेंगे। देखिए ढक्कन ढाप के रख ली मैं इसको, गर्म हो जाएगा ये। गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर देखिए बॉल्स बना ले रही हूँ। आपके हिसाब से बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, मीडियम भी बना सकते हैं, आपके हिसाब से आप बना लीजिए। ऐसे करके बॉल को रेडी कर लूंगी। देखिए तेल गर्म होने वाला डालने के देखने के लिए थोड़ा सा दाली में ये बटर इसके अंदर डालने के बाद देखिए अच्छे से गर्म हो गया। इसका मतलब है रेडी है अपना तेल तलने के लिए। मैं एक एक करके बॉल्स इसमें डालती जाऊंगी और धीमी आंच पे फ्राई कर लूंगी। चार से पाँच मिनट उसको ऐसे रखना है, उसके बाद उसको थोड़ा सा तेल ऊपर डाल के इसको थोड़ा सा मूव करने का है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल डाल दे रही हूँ, देखिए अच्छे से फ्राई हो जाएगा। एकदम से नहीं हटाना है, एकदम हटाए तो बॉल टूट जा सकते।
देखिए ऐसे उलट पलट करके अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। धीमी आंच पे तलना है, एकदम लो लो फ्लेम पे भी नहीं रखना है अपने को, एकदम हाई पे भी नहीं रखना है। हाई पे रखे तो जल जाते और एकदम लो पे रखे तो कच्चे हो जाते। मीडियम फ्लेम पे रखने का है। देखिए हमारे बॉल्स रेडी है, देखिए अच्छे से तले गए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलिए। अल्लाह हाफिज़।